हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 22 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 22 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। एक धातु का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कार्यफलन क्या होता है बेटा? डब्लू, तो डब्लू कितना दे रखा है? 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें एक धातु पर गिराई जाती हैं, तो लैम्डा कितना दे रखा है बेटा? 100 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है बेटा? 100 एंगस्ट्रॉम। धातु पर गिराई उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी बेटा ई के पूछ रहा है। मैं क्या पूछ रहा है बेटा? ई के, ई के की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमने डब्लू लिख दिया, कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा डब्लू कितना है अपना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का उसमें गुणा कर देंगे, 16 × 64 यानी 6.4 × 10⁻¹⁹ जूल। कितना आ गया बेटा? 6.4 × 10⁻¹⁹ जूल। तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी थी बेटा? 100 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी थी? 100 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर बेटा तरंग दैर्ध्य लिख दी हमने 100 एंगस्ट्रॉम, 100 × 10⁻¹⁹ मीटर। ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। तो न्यू कितना है बेटा? न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो एच को रख देंगे 6.6 × 10⁻¹⁴ 6.6 × 10⁻¹⁴। सी कितना बेटा? 3 × 10⁻¹⁸। लैम्डा कितना है? 100 × 10⁻¹⁰। डब्लू, डब्लू कितना है? 6.4 × 10⁻¹⁹। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे 6 − 34 आता है, ये प्लस की 8 34 में थे, 8 कम कर दे माइनस की, कितने बची? 26। 3 का बेटा 6.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19.8। 20 से इसकी 2 घातें कम कर दें तो 1 × 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा? −8। −8 घातें बेटा ऊपर लेके आए तो प्लस की हो जाएंगी, और 26 में से 8 कम कर दो, कितनी बची? −18। कितनी बची बेटा? −18। अब यहाँ पर बेटा यहाँ 18 घातें माइनस की, यहाँ पर कितनी है? 19। तो यहाँ पर भी हमें 19 घातें करनी होगी, तो यहाँ से हमने बेटा पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा के यहाँ एक घात बढ़ा लेंगे, तो −19 हो गई। अब बेटा 198 × 10⁻¹⁹ में तो 6.4 × 10⁻¹⁹ घटा दो, तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 192.6। चूँकि 198.6 में तो 6.4 ही तो घटा रहे हैं, तो 192.6 × 10⁻¹⁹। तो बेटा यहाँ पर अगर पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ाएँ, 1 2, तो 2 घातें इधर कम हो जाएंगी, क्योंकि पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो घातें प्लस में आती हैं, पीछे लाते हैं तो घातें माइनस में आती हैं, तो प्लस में 2 घातें आएंगी, तो 2 घातें कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी? 17। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। सोडियम का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर दे रखा है बेटा कार्यफलन। स्पष्ट कीजिए, क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से विद्युत उत्सर्जन कर सकेगा? तो बेटा हमें यहाँ पर देखना है कि पृष्ठ से उत्सर्जन करने के लिए तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा नॉट है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है या कम। तो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से हम ई को निकाल कर भी देख सकते हैं लैम्डा का यूज करके। ठीक है, लेकिन यहाँ लैम्डा नॉट निकाल के देख लेते हैं। तो बेटा W कितना दे रखा था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 × 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ 16 दुनिया, यानी 3.2 × 10⁻¹⁹ जूल हो गया। लैम्डा कितना दे रखा है? 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी 7000 × 10⁻¹⁹ 30 से बेटा 3 घातें कम हो जाएंगी, तो 7 × 10⁻¹⁹ मीटर बचेगा। लैम्डा नॉट बेटा हमें ज्ञात करना है, तो दैहली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, पहले देखेंगे कि वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है या कम है। तो W बराबर H/λ0। तो लेमडा नॉट को यहाँ, डब्लू को यहाँ लिख सकते हैं बेटा। एच का मान तो वही है 6.6 × 10⁻¹⁴। सी का मान बेटा 3 × 10⁻¹⁸। और डब्लू कितना है? 3.2 × 10⁻¹⁹ अब दे बेटा यहाँ पर 34 घातें माइनस की, यहाँ प्लस की 8 घातें हैं, तो 34 में से 8 कम कर दो, कितनी बची? माइनस की 26। माइनस की 19 घातें अगर ऊपर ले आए बेटा तो प्लस की घातें हो जाएंगी, 26 में तो 19 कम कर दो, कितनी बची? माइनस की 7। 3.2 का इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 6.1875 × 10⁻¹⁷। अब देखो बेटा यहाँ से 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट को अगर पीछे लेके आए तो घात 3 माइनस में आएंगी, क्योंकि पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो घात प्लस में आती है, पीछे लाते हैं तो घात माइनस में आती है। तो 1 2 3 तो 61 87.5 × 10⁻¹⁹ कितनी हो जाएंगी? तो ये आ गया एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर बेटा ये 61 87 एंगस्ट्रॉम था, आपतित प्रकाश कितना था?
7000 एंगस्ट्रॉन। और डेफिनेशन क्या कहती है, यदि आप वह अधिकतम अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। तो यहाँ पर तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और दहली तरंग दैर्ध्य कम है, अतः लैम्डा नॉट इज लेस देन लैम्डा। इस स्थिति में प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कार्यफलन यानी W दे रखा है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो W कितना दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन को धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित फोटोन की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी है बेटा। तो ईके निकालना है जूल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी दे रखी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई दे रखा है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, ई की निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो सूत्र लगाएंगे बेटा यहाँ पे ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। ई कितना था 6 इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू कितना था 1, घटा दो कितना बचा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है बेटा 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 1.6 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, सो 16×5 = 80 यानी 8.0 × 10⁻¹⁹ जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, किसी धातु का कार्यफलन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बेटा धातु का कार्यफलन कितना है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो W दे रखा है हमें बेटा कितना दे रखा है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 2200 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है, तो लैम्डा कितना दे रखा है 2200 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि आपतित है तो लैम्डा दे रखा है बेटा 2200 एंगस्ट्रॉन, तो लैम्डा 2200 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ से निकलने से रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव निकालना है हमें। तो बेटा गतिज ऊर्जा और क्या निकालना है निरोधी विभव, तो हमें एक तो ई के निकालना है और क्या निकालना है बी नॉट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर h/λ − W, तो h की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे बेटा 6.6 × 10⁻¹⁴, c का मान रखेंगे 3 × 10⁻¹⁸, लैम्डा का मान कितना था बेटा यहाँ पर हमने ये चेंज कर लिया 2200 एंगस्ट्रॉन था, तो 2200 × 10⁻¹⁰ हो जाएगा, तो 1, 2, 3, तो 2.2 × 10⁻¹⁹ कितना हो गया 7 मीटर। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.8 × 1.6 × 10⁻¹⁹, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 6.08 × 10⁻¹⁹ जूल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये लैम्डा हो गया। अब हमें क्या निकालना है ई के निकालना और क्या निकालना है बेटा वी नॉट, तो ठीक है हमने यहाँ पर रख दिया लैम्डा का मान निकाला था 2.2 × 10⁻¹⁹ के साथ, और W तो था ही बेटा अपना ये रहा 6.08 × 10⁻¹⁹, तो 6.08 × 10⁻¹⁹ 34 में तो बेटा 8 कम कर दें कितनी बचाएंगे माइनस की 26, और इधर बचाइए 3 और इधर ये 2.2 से 6.6 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और इधर कितना है 3, और माइनस की 7 घाते ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी, और 26 में तो 7 घटा दें कितनी बचाएंगे 19। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये बचा 3 × 3 तो 9 × 10⁻¹⁹ अब 9 × 10⁻¹⁹ में से 6.08 × 10⁻¹⁹ घटा दो तो 2.92 × 10⁻¹⁹ कितना बचेगा 19 जूल। तो ये तो निकला ही बेटा अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब हमें निकालना है निरोधी विभव, तो निरोधी विभव निकालेंगे तो ई के बराबर ई वी नॉट होता है सूत्र, यहाँ पर वी नॉट होता है बेटा निरोधी विभव, तो ई वी नॉट बराबर ई के का मान ये वाला रख देंगे 2.92 × 10⁻¹⁹। अब ये ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹, इस पूरी संख्या को इधर पक्षांतर कर दो, तो पूरी संख्या को बेटा इधर पक्षांतर करेंगे तो 2.92 × 10⁻¹⁹ और 1.6 × 10⁻¹⁹, 19 से 19 घाते कट जाएंगे 1.6 का इसमें भाग दे दो, तो ये आ जाएगा बेटा 1.825 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 1.825 वोल्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 27। 27 क्वेश्चन क्या है कि 4400 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लैम्डा कितना है बेटा 4400 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर बेटा हमने लैम्डा लिख दिया 4400 एंगस्ट्रॉन यानी 4400 × 10⁻¹⁹ 10 मीटर। ठीक है, डब्लू
कार्य फलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कार्य फलन कितना है बेटा डब्ल्यू, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है, ई के पूछा है, तो यहाँ पर बेटा डब्ल्यू है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो 1.6 गुणा 10 पावर माइनस 19 का गुणा करते हैं, इसका इसमें होगा तो 4.0 गुणा 10 पावर माइनस के 19 जूल। ई के निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ई के बराबर एच बटे लैम्डा माइनस डब्ल्यू, ठीक बेटा एच का मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे, लैम्डा का मान रखेंगे और किसका मान रखेंगे डब्ल्यू का, तो यहाँ से बेटा सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, ई के निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है, तो 5400 एंगस्ट्रॉम का विकिरण एक धातु पर गिरता है, तो लैम्डा कितना है 5400 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा है बेटा यहाँ पर 5400 एंगस्ट्रॉम यानी 5400 गुणा 10 पावर माइनस के 10, अगर यहाँ पर बेटा घात कम करें तो 1, 2, 3 तो 5.4 गुणा 10 पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.4 गुणा 10 पावर माइनस के 7 मीटर, ठीक। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, तो हमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसका निरोधी विभव ज्ञात करना है, तो कार्य फलन कितना है इसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डब्ल्यू बेटा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 गुणा 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, और 16 का इसमें गुणा कर दो, 16 निम्मा 144 की 44 की 4, 16 एकम 16 और 14 30, तो 3.04 गुणा 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये 5.4 गुणा 10 पावर माइनस के 7, तो लैम्डा है बेटा 5.4 गुणा 10 पावर माइनस 7 और डब्ल्यू है 3.04 गुणा 10 पावर माइनस के 19। अब बेटा हमें ई के निकालना है और यहाँ पर निरोधी विभव वी नोट निकालना है, तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे पहले, ई के बराबर एच यू बटे लैम्डा माइनस 1, तो एच का मान रखें 6.6 गुणा 10 पावर माइनस 34, सी का मान रखें 3 गुणा 10 पावर 8, लैम्डा का मान 5.4 गुणा 10 पावर माइनस के 7, ठीक है बेटा। और डब्ल्यू का मान तो अभी निकाले हमें 3.04 गुणा 10 पावर माइनस 19, तो 3.04 गुणा 10 पावर माइनस के 19। अब तो बेटा 34 में से 8 कम कर दो, कितनी बची माइनस की 26, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 19.8 हो जाएगा और बटे हैं 5.4, और ये माइनस की 7 घात है बेटा, अगर ऊपर ले जाएँ ये 10 पावर माइनस 7 हैं, ऊपर ले जाएँ इन्हें तो ये हो जाए कितना होगा 19.8 गुणा 10 पावर माइनस 26 था, 26 में तब 7 कम कर दो कितना बचा 19, 5.4 का इसमें गुणा भाग दे दो तो 5.4 का इसमें भाग दें तो 3.666 आएगा। अब बेटा 3.666 में तो 3.04 घटाएंगे तो 0.626 बचेगा इंटू 10 पावर माइनस के 19। अब बेटा यहाँ पर हम पॉइंट को एक अंक पीछे ले आए तो 6.26 गुणा 10 पावर माइनस का 20 हो जाएगा, अगर 6 को यहाँ से हटाएं सार्थक अंकों की दृष्टि से तो एक अंक आगे बढ़ेगा तो 6.3 गुणा 10 पावर माइनस के 20 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 6.3 गुणा 10 पावर माइनस के 20 जूल। अब हमें निकालना है निरोधी विभव, तो ई बी नॉट बराबर ई के, तो यहाँ पर ई जो बेट इधर पक्षांतर करते हैं तो ई के बट्टे क्या हो जाएगा ई, ई के कितना है 6.3 गुणा 10 पावर माइनस के 20 और ये 1.6 गुणा 10 पावर माइनस के 19, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 63 बट्टे कितना बचा 19 ऊपर ले जाओ प्लस की 19, 20 में तो 19 कम हो तो माइनस एक बचा, 16 का भाग दे दो तो 3.94 गुणा 10 पावर माइनस के 1 और ये पॉइंट को आगे बढ़ाएं तो 0.394 वोल्ट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.349 वोल्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है बेटा अपना अगला 29, एक धातु पृष्ठ के लिए कार्यफलन, तो कार्यफलन बेटा डब्ल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है डब्ल्यू दे रखा है डब्ल्यू दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू कितना दे रखा है डब्ल्यू दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। डब्ल्यू और लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अधिकतम गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक विभवांतर, तो लैम्डा कितना दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है बेटा, तो 2000 गुणा 10 पे घात माइनस का 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब ये पूछ रहा है
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितना विभवांतर आवश्यक है? दैहिक तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कीजिए। तो हमें बेटा विभवांतर निकालना है, यानी जे बी नॉट निकालना है और लैम्डा नॉट निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले निकालेंगे हम, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे पहले, ई के बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू। ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 जूल। ठीक है, तो ये डब्लू का मान आ गया। तो एच का मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे, लैम्डा का मान रखेंगे, डब्लू का मान। यहाँ से ई के निकलेगा और सीधा सीधा यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ई के बराबर एच सी बट्टे लैम्डा माइनस डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट का मान निकाल लेंगे, ई का मान रखेंगे 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। फिर डब्ल्यू बराबर सूत्र लगा देंगे एच सी बट्टे लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, लैम्डा नॉट। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।